आज हम लेके आए हैं एक नया गेम प्ले जिसके अंदर हम बने हुए एक बिलियनेयर जिसके पास में अंधाधुन पैसा है। कार कलेक्शन देखो यार, बुगाती, लेम्बोर्गिनी, रेंज रोवर। और कार कलेक्शन तो कुछ भी नहीं भाई, बाइक कलेक्शन देखो, सुपर बाइक्स है हमारे पास में, वो भी एक दो नहीं भाई, पूरी 15-20 बाइक्स है और सारी एक से बढ़कर एक है। Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम लेके आए बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों आज हम लेके आए एक नया गेम जिसका नाम है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम। जी हाँ दोस्तों, और यार इस गेम के अंदर ना ये अपना जो हीरो है ये बिलियनेयर है। इसका घर देखो, ये बेडरूम है, ये इसका PC है जिसमें ये गेमिंग करता है। और दोस्तों इसके अलावा मैं अभी आपको और बहुत सी चीजें दिखाने वाला हूँ। ये देखो सामने बाइक्स का कलेक्शन देखो भाई, कितनी सारी बाइक्स खड़ी हैं और ये सारी की सारी सुपर बाइक्स हैं भाई साहब, सुपर डुपर बाइक्स हैं। और इनके अलावा हमारे पास में कार कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का है, क्योंकि काफी रिच है हम इस गेम के अंदर। और हमारा घर दिखाता हूँ सबसे पहले, बाइक्स और कार हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम अपना पूरा का पूरा घर देखने वाले हैं। तो दोस्तों बेडरूम के ऊपर एक ये है जहाँ पे डाइनिंग टेबल लगी हुई है, और भाई किचन भी है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो यार, ये फैन चालू छोड़ दिया था क्या मैंने भाई? इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी आ जाएगा, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं, काफी पैसा पड़ा है भाई अपने पास। बिल वगैरह की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ये देखो थोड़ा ओपन स्पेस है अपने पास में। इसके बाद में हम और एक बार रूफ टॉप पे चल के देखते हैं वहां पे क्या है। तो यार दोस्तों ये वाली सीढ़ियां कुछ ज्यादा ही अजीब सी बनी हुई है, चढ़ने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फाइनली हम लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन ओ भाई 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 आगे कैसे नहीं जा रहा? तो अच्छा जंप करना पड़ेगा यार, ये जंप करके, ओ भाई इतना भी जंप नहीं करना। तो दोस्तों ये है अपना रूफ टॉप, देख लिया यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ऐसा ही बनाया हुआ है, खाली सा है, बाकी सब नीचे ये जो है अपन अकेले ही तो रहते हैं भाई यहाँ पे। तो अकेले के हिसाब से ये घर काफी बड़ा है, छोटा नहीं है भाई। और अभी ये देखो यार, ये दरवाजा किस चीज का भाई? ये खुलेगा नहीं क्या? मुझे लगता है यार ये पता नहीं क्या ही चीज है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है, कमेंट करके आप ही लोग बता दो। ओ भाई यहाँ से जंप लगाने वाले, अबे गया, अरे भाई लग गई यार, खून ही खून हो गया भाई चारों तरफ। यार दोस्तों मैंने गलती जंप कर दिया ऊपर से, लेकिन चलो कोई नहीं, हम फाइनली नीचे आ गए हैं, डायरेक्ट आ गए। और यहाँ पे ये देखो भाई साहब, अपना घर देखो एक बार। और अपने घर में ना ये जो दो स्पेशल बाइक्स है, अपनी फेवरेट बाइक्स है, इनको मैं यहाँ रखता हूँ। ये तो है अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट जिसको बोलते हैं भाई साहब, ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट है भाई, इसलिए तो इसे सबसे अलग खड़ा कर रखा है मैंने। और इसके अलावा ना हमारे पास में दूसरी ड्यूक बाइक है, वो भाई साहब हमारा हीरो देखो क्या मस्त लग रहा है ना भाई इस बाइक पे बैठकर। मतलब यार जितना ये बुलेट पे जस्ता है ना, उतना तो शायद ही किसी और बाइक पे जस्ता होगा। वो भाई हेलमेट कहाँ से ले लियो, अरे भाई। तो दोस्तों अब दिखाता हूँ मैं आपको अपनी ड्यूक, ये है ड्यूक 1200 भाई साहब, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इस पर भी अपना हीरो ना बैठा हुआ काफ़ी शानदार लगता है। लेकिन यार इसने ये हेलमेट कहाँ ठाक रखा है यार, समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई ये हेलमेट कहाँ लगा रखा है, सिर पे लगाने का होता है भाई, इसने क्या कर रखा है? ओ भाई बुलेट गिरा दी पीछे, अभी पागल हो रहा है यार। दोस्तों ये बाइक्स ना सारी की सारी एक से बढ़कर एक है। चलो मैं अभी आपको, ओ भाई साहब स्टैंड लगाना भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं गिर जाने दो। तो यार ये हेलमेट हमने हटा दिया बाइक से, मतलब बाइक पर बैठते अपने आप हम हेलमेट लगा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। दोस्तों ये है ड्यूक 1200 नहीं है, ये ड्यूक 200 है, ये 1200 थी, ये 200 है। मतलब यार इसका ना थोड़ा इंजन कम पावरफुल है, लेकिन यार ये भी लगती तो क्लासिक है, उस जितनी क्लासिक नहीं लग रही। लेकिन हाँ दोस्तों इस पर ना हेलमेट क्यों नहीं लगा रहा भाई, हेलमेट लगा यार। दोस्तों इनके आवाज़ भी ना काफ़ी कमाल के, इन सारी सुपर बाइक्स की मैं ना आपको साउंड सुनाने वाला हूँ, रुक जाओ पहले मैं हेलमेट लगा लेता हूँ। तो अभी लगाना एकदम राइडर। तो दोस्तों यार अपना हीरो कमाल का लगता है किसी भी बाइक पे बैठ जाए, क्योंकि अपनी बॉडी शॉडी भी खतरनाक वाली है भाई। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक्स की तरफ। तो यार दोस्तों यहाँ पे, ओ भाई इसका भी स्टैंड लगाना भूल गया। तो दोस्तों अभी है हमारे पास में स्प्लेंडर हमारे सामने। जी हाँ दोस्तों ये है हीरो की स्प्लेंडर, ये भी काफ़ी कमाल की बाइक है, फेवरेट बाइक है भाई इंडियंस की तो। और उसके बाद में यहाँ पर एक हायाबुसा है, ये ब्लू कलर की हायाबुसा है भाई, ये काफी भारी भरकम बाइक है। और ये एक और सुपर बाइक है, इसके नेक्स्ट है भाई साहब मेरी फेवरेट कावासाकी निंजा। जी हाँ दोस्तों ये जो ब्लैक कलर की है ना, ये कावासाकी निंजा है, और यार ये कितनी कमाल की लगती है, और इसका इंजन भी काफी पावरफुल है। और ये एक और ब्लू कलर की जो है, ये है R15। और उसके बाद में ये जो है, ये भाई साहब ड्यूक 1200 वापस आ गई, ये पल्सर हो गई रेड कलर वाली। ये भाई पल्सर भी अपने इंडिया में काफी ज्यादा चलती है ना भाई, तो यार ये पल्सर है। और उसके बाद में ये न्यू KTM बाइक है, और इसके नेक्स्ट जो बाइक है ये KTM वाली बाइक है। दोस्तों ये दोनों ही KTM है, ये जो गिर गई ये तो भाई न्यू KTM है, और ये ओल्ड KTM है। और इसके बगल में आप लोग देख सकते हो हमारे पास में एक स्कूटी भी है। जी हाँ दोस्तों वो एक स्कूटी है, ये 4G है, एक्टिवा 4G है। जी हाँ दोस्तों ये एक्टिवा 4G है, ये भी काफ़ी पावरफुल आदि है भाई साहब। तो दोस्तों यहाँ पर यह है अपना टोटल बाइक्स का कलेक्शन, और यार इनमें से आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। इनकी हम रेस भी करवाएंगे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। तो आप कौन सी दो बाइक्स की रेस देखना चाहते हो, या कौन कौन सी बाइक्स की रेस देखना चाहते हो
कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने कार कलेक्शन की तरफ। यहाँ पे ओ भाई ये दोनों के दोनों बाइक्स भाई देखो कैसे गिरी हुई है, बाद में उठाएंगे इनको। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे पहले हम दिखाते हैं अपनी थार को। जी हाँ दोस्तों, ये है ब्रांड न्यू थार महिंद्रा की, और यार ये काफी ज्यादा मस्कुलर लगती है देखने में। यार दोस्तों ये अंदर से कैसी, ओ भाई यार लेम्बोर्गिनी में नहीं बैठना था भाई, थार में बैठना है यार, भूल जाते हैं हम। तो चलो यार दोस्तों अभी इधर से आके बैठना होगा थार में, क्योंकि इसका स्टेरिंग इस तरफ है। तो ये देखो दोस्तों ये है 4x4 महिंद्रा थार, और ये कैसी चलती है और अंदर से कैसा है इसका इंटीरियर वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो ये देखो भाई सब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है सच में यार, इसकी रेस जरूर से कराएंगे हम, लेकिन कौन सी कार के साथ में करवाएं इनमें से कमेंट करके जरूर से बताना। रेंज रोवर के साथ करवा दें क्या भाई? तो यार दोस्तों ये देखो अंदर से इंटीरियर इसका कुछ ऐसा है, और हमारा भाई मतलब हम इस स्टेरिंग को ना कुछ इस तरीके से घुमाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये भाई साहब काफ़ी कमाल की लग रही है ना अंदर से भी भाई, इंटीरियर काफ़ी मस्त है इसका, और भाई साहब ये सच में लगती भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, काफ़ी अच्छी कार है, ये हमारी फेवरेट है भाई, नई की नई ली है अभी, ज़्यादा चलाई भी नहीं इसको। तो चलो अभी चलते हैं हम लेम्बोर्गिनी की तरफ। ये देखो भाई साहब ग्रीन कलर की ये लेम्बोर्गिनी भी कुछ कमाल की लग रही है यार सच में। लेम्बोर्गिनी का साउंड तो कुछ अलग ही है, हटके है भाई सब कार से इसका साउंड कुछ अलग ही है, और भाई साहब पावर भी यार कमाल का इसका। लेकिन यार दोस्तों अभी हम इसकी ना रेस नहीं करवाने वाले आज, तो बस हम इनको थोड़ा सा ट्रायल ही ले रहे हैं चला चला के। बाकी रेस कौन सी कार्स की करवानी है कमेंट करके आप लोग बताओ यार। इस गेम के अंदर ना इतने सारे मेगा रैंप है और इतने सारे रेसिंग ट्रैक है, क्या ही बताऊं आपको। इंटीरियर नहीं देखे क्या यार? चलो इंटीरियर चेक करते हैं इसका। ये देखो कुछ अंदर से ये इस तरीके की लगती है, और स्टेयरिंग इसका ये है भाई। तो चलो अभी निकलते हैं इससे, और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो दोस्तों अभी जो नेक्स्ट कार है ना वो है बुगाती चिरोन। जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अपने पास में जितनी भी कार्स हैं ना उन सबसे ज़्यादा महंगी भाई यही है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी यही है। ऐसा बताया जाता है कि इसके अंदर जो इंजन आता है ना भाई वो एकदम एयरक्राफ्ट वाला इंजन है, एयरक्राफ्ट जितना पावरफुल इंजन आता है भाई बुगाती चिरोन के अंदर, और ये काफ़ी कमाल की है। लेकिन यार अंदर से पता ही नहीं चल रहा, वो बच गए भाई, कैमरा चेंज करके देख लिए वरना भाई ठुक जाती है अभी रेंज रोवर के अंदर ये। तो यार दोस्तों यहाँ पर ना हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख के चलाना होगा इसको, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ब्लैक कलर में तो भाई साहब वैसे ही ज़्यादा पैसे लगते हैं देने के। तो भाई साहब ब्लैक कलर की कार ली है हमने, काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा खर्च किया है इसके ऊपर। तो ये है सबसे महंगी कार हमारी इन सारी कार्स में से। तो अभी देखो दोस्तों हमने तीनों की तीनों गाड़ियाँ लगा दी, अभी रेंज रोवर की बारी है। यार रेंज रोवर भी रेड कलर में कमाल की लगती है सच में, और इसका इंटीरियर भी कमाल का है। एसयूवी के अंदर तो भाई साहब यही सबसे कमाल की, ये देखो यार क्या मस्त इंटीरियर आता है इसका, स्टेयरिंग तो देखो कैसे क्या बात है भाई, लपक के चल रही एकदम। तो यार दोस्तों ये है हमारी रेंज रोवर, ये भी यार मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे कार्स तो सारी जो बेस्ट हो सकती है ना वो की वो है हमारे पास में, बस एक है हमारे पास में वेगनार, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी देखना। तो यार दोस्तों ये थी हमारी रेंज रोवर, और अभी देखो ये है हमारी फर्स्ट कार, जो भाई साहब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना उस टाइम तो मैंने सबसे पहले ये गाड़ी खरीदी थी, क्योंकि भाई साहब ये ना काफ़ी ज़्यादा चीप है और कम पैसे में मस्त मज़ा आता है इस गाड़ी में। तो ये है हमारी वेगनार। तो अभी यार इसकी भी भाई पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसकी रेस किससे करवाएंगे कमेंट करके ये भी बताना यार। मतलब वेगनार की रेस इनमें से कौन सी सुपर कार के साथ में हो सकती है, मतलब ये तो सबसे आ रहेगी भाई रेस में, कहाँ से जीतेगी भाई? लेम्बोर्गिनी है, हाँ थार के बराबर करा सकते हैं। तो दोस्तों हम थार की और वेगनार की रेस जरूर से करवाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि वेगनार हारे तो भाई साहब किसी भी दूसरी गाड़ी का नाम कमेंट करके बता देना, उसी से रेस करवा देंगे, पक्का वेगनार हार ही जाएगी यार, क्योंकि ये सारी की सारी सुपर कार हैं, और सुपर कार्स के सामने भाई वेगनार कहाँ से जीतेगी मुझे तो नहीं लगता। तो वैसे यार दोस्तों इन कार में से कौन कौन सी कार की आप रेस देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर से बताना। मेगा रैंप पे जंप भी करवा सकते हैं, जंप कंपटीशन भी रख सकते हैं, तो देख लेंगे, उसमें भी बता देना कौन सी कार्स का आप जंपिंग चैंपियनशिप देखना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर से बताना। तो दोस्तों ये थी हमारी सुपर कार्स जिनके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया है, मतलब मोटा पैसा तो भाई इन 4-5 गाड़ियों में खर्च हुआ है, बाकी बाइक्स तो इतनी एक्सपेंसिव थी नहीं, मतलब एक गाड़ी के पैसे में सारी बाइक्स आ गई थी लगभग हमारी। तो यार दोस्तों यहाँ पर अभी हम बाइक्स की ना टेस्ट राइडिंग लेने वाले हैं, तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले हायाबुसा को लेके। तो चलो यार दोस्तों आपको दिखाता हूँ हायाबुसा का पावर, डबल साइलेंसर लगा हुआ है इसके अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लग रही है। ये देखो कैमरा चेंज करने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है, एकदम ऐसा लगता है भाई रियल में चला रहे हैं, और सच में इसका साउंड भी कितना खतरनाक वाला है यार दोस्तों, काफ़ी तगड़ा साउंड है इसका। तो अभी देखो हम इसे लेके चलते हैं और एक जंप करवाते हैं यहाँ पर। ये देखो दोस्तों यहाँ पर एक जंपर दिख रहा है हमें, इसके ऊपर से हम इसको जंप करवाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। और यहाँ पे ये देखो दोस्तों मेगा रैंप, मैं बता रहा हूँ ना भाई इस गेम के अंदर इतने सारे मेगा रैंप है, आप देखते रह जाओगे। ये देखो
देखो बिल्डिंग्स के ऊपर हमें एक मेगा रैम दिखाई दे रहा है, कंटेनर वाला मेगा रैम पे ये, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी लग रहा है मुझे लगता है। तो यार दोस्तों आज हम ये मेगा रैम नहीं करेंगे, आज की वीडियो वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन हाँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में हम जरूर से इस मेगा रैम के ऊपर अपनी सारी कार्स या बाइक्स जो भी आप बोलोगे कमेंट करके उन्हीं को लेके जाएंगे और ये मेगा रैम चैंपियनशिप भी जरूर से करवाएंगे और देखेंगे कौन सी कार या कौन सी बाइक इस मेगा रैम को कंप्लीट कर सकती है। तो चलो अभी चलते हैं उस जंपर की तरफ। तो ये रहा हमारे सामने वाला जंपर और अभी हम अपनी ये हायाबुसा बाइक लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है यार कुछ ज़्यादा ही कमाल का सीन होने वाला है, तो जल्दी से ये देखो स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारी हायाबुसा की। और भाई हम गए 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 कहाँ जा रहे हो भाई साहब, क्या जंप किया है, कोई बिल्डिंग नजर नहीं आ रही, हम इतनी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए मुझे लगता है। ओ भाई बिल्डिंग्स छोटी छोटी नजर आ रही है, इतनी ऊपर आ गए थे हम। अरे भाई यार सच में इतना बड़ा जंप किया है हमने। अरे भाई ये जंपर तो कहीं रह गया, इस जंपर से 5 गुना ज़्यादा ऊपर चले गए थे हम। ओ भाई लग गई ना वाट, अरे टूट गई है दिया। यार दोस्तों ये गलत सीन हो गया अपने साथ में, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, हमारा हीरो काफ़ी पावरफुल है भाई, अभी भी नहीं मरा यार, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ इसका, लेकिन फिर भी अभी ये जिंदा है। तो चलो यार दोस्तों अभी हम अपनी हायाबुसा उठाते हैं, यहाँ पे खून ही खून हो गए भाई, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैल गया है भाई चारों तरफ। तो दोस्तों देखो सामने एक जंपर नजर आ रहा है छोटा वाला, वो कार्स के लिए। तो अभी हम चलते हैं अपनी हायाबुसा को यहाँ पर लगा देते हैं वापस से पार्क, जहाँ से हमने इसे उठाई थी। और अभी देखो दोस्तों ये तो हायाबुसा थी तो पावरफुल थी भाई, लेकिन यार इस गेम के अंदर ना छोटी बाइक्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं है कि ये हल्की बाइक से जैसे स्प्लेंडर है। अभी देखना आपको स्प्लेंडर का भी पावर दिखाता हूँ मैं। तो अभी हम लेके जाने वाले हैं अपनी स्प्लेंडर को, जी हाँ दोस्तों। और यार दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस किया नहीं, सभी बाइक्स की ना नंबर प्लेट पर इंडिया लिखा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन स्प्लेंडर के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हर कोई जानता है भाई स्प्लेंडर तो इंडिया की जान है यार। तो दोस्तों यहाँ पर हमने उठा ली स्प्लेंडर और अभी हम इससे भी करने वाले हैं एक तगड़ा वाला स्टंट। तो यार दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज की गेम प्ले वीडियो बस यार यहीं तक थी। कैसी लगी ये गेम प्ले वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।